आपको बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों उनकी ETRF डाउनलोड नहीं हो पा रही। जैसे कि आपने वीडियो की बिगिनिंग में देखा, ETRF पे क्लिक करने से 404 एरर दिखा। हमें काफ़ी कैंडिडेट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि 404 एरर क्यों आ रहा है, क्यों उनकी ETRF डाउनलोड नहीं हो पा रही या अवेलेबल ही नहीं। इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी और सॉल्यूशन भी। इसका रीज़न ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, और ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक तो है डेक्लरेशन फॉर्म, और जिस पे आप साइन करते हैं कि आपको सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ ली IDP की। दूसरा है आपके पासपोर्ट की फ्रंट पेज जहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, एंड बैक पेज जहाँ पे आपका एड्रेस पेज जिसे हम बोलते हैं। अगर ये दोनों पेज की कॉपी एंड डेक्लरेशन कॉपी आपने एग्ज़ाम बुकिंग के दौरान अपलोड नहीं की, तो आपको ये एग्ज़ाम वेन्यू में सबमिट करानी है। अगर वहाँ भी सबमिट नहीं हुई तो फिर आपको 404 एरर ही दिखेगा अपना TRF डाउनलोड करते हुए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपने क्या करना है, आपको अपने पासपोर्ट की एड्रेस पेज और जो आपकी पिक्चर वाला पेज है उसकी कलर कॉपी लेके और डेक्लरेशन फॉर्म पे साइन करके आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को IELTS.India@IDP.com को मेल करना होगा। जब आप मेल कर देते हैं ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, तो IDP 2 दिन के अंदर आपको ETRF अवेलेबल करवा देता है। एक बार जब आपको 404 एरर दिख गया, उसके बाद आपको ईमेल ही ये तीनों डॉक्यूमेंट करने होंगे। उसके बाद अगर आप कैंडिडेट लॉगिन में जाके इन्हें अपलोड करते हैं तो चांसेस हैं उससे भी आपको 404 एरर ही दिखे। तो बेटर क्या है कि आप IDP को ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मेल करें, ताकि 2 दिन के अंदर आपको अपनी ETRF मिल जाए और आप उसको डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकें। आई होप इस वीडियो से उन कैंडिडेट्स को सल्यूशन मिल गया जो वरिड थे कि उनको 404 एरर क्यों दिख रहा है। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल।